नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास ठेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। एनसीईआरटी प्रिपरेशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के विषय में। यहां पर जितना सरल आपको नाम लग रहा है, उतनी ही ज़्यादा रोचक जानकारी आपको इस अध्याय के अंदर मिलने वाली है। यह अध्याय है कक्षा छठवीं एनसीईआरटी का अध्याय 9, और इसके जरिए आप समझने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में व्यापारी और राजा एवं तीर्थ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी। ये आपको मदद करेगा स्टेट पीएससी, यूपीएससी या फिर एनसीईआरटी क्लास 6 या फिर किसी भी उन विषयों पर जहां पर इतिहास को पूछा व समझा जाता है, वहां यह आपकी सहायता करेगा। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ और आइए शुरुआत करते हैं। व्यापारी और उनके प्रमुख व्यापारों की जानकारी। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र अपने विशिष्ट उत्पादन के लिए जाना जाता है। जब तक उस क्षेत्र में संबंधित वस्तु का उत्पादन अधिक होता है, तब तक उस क्षेत्र के व्यापारी उस वस्तु को अन्य क्षेत्र में बेचते हैं, जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। जिस तरह वर्तमान समय में दक्षिण भारत मसाले व कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता है, उसी तरह प्राचीन काल में भी इस क्षेत्र का व्यापारिक महत्व था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारा जाता था। व्यापारी इन सामानों को जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के सोने के जो हुआ करते थे मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। अब हम जानते हैं समुद्र तटों से लगे हुए राज्यों के विषय में। कावेरी के उपजाऊ मैदान में बसे दक्षिणी राज्य रोम व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। व्यापार के जरिए तटीय इलाकों में बसे सरदार और राजा धनवान हो चुके थे। संगम कविताओं में मुंबेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों चोल, चेर तथा पांडे के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये वंश लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र स्थापित किए थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में दो महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार था, पुहार जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। इस प्रकार यहाँ पर हम समझते हैं कि उस समय चोल, चेर और पांडे तीन महाशक्ति थी जिनका आधिपत्य था दक्षिण भारत में, और इनके प्रमुख दो शहर थे कावेरी पट्टनम या पुहार, जो कि एक बंदरगाह था, पतन था, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों के जरिए आसपास के इलाकों से शुल्क वसूलते थे। वे अपने दरबार के कवियों और रिश्तेदारों व सैनिकों को अक्सर धन देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में जानकारी उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रसिद्ध था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब हम इसके बाद जानते हैं रेशम मार्ग, या फिर जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 साल पहले चीन में हुआ था।
चमकीले रंग और चिकनी व मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसमें कपड़ा बुना जाता है। चीन ने आविष्कार के बावजूद इस तकनीक को हजारों सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा, पर चीन से पैदल घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर तक जहाज़ों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और कुषाण में सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनावे का एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर व मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म अब पनप चुका था और आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले मूर्तिकला में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पत्ते की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया चीन और बाद में कोरिया जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्खुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नाम बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ था। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं तीर्थयात्री। तीर्थ यात्री वे यात्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। यह है तीर्थयात्री की परिभाषा। काले की गुफा महाराष्ट्र, ये वह गुफा है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए, दरअसल जो भिक्षु होता है उसके लिए
भिक्खु शब्द ये इस्तेमाल करते थे और इनके रुकने के लिए जो निवास गुफाएं बनाई जाती थी उनका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कालले की गुफा महाराष्ट्र। आप इसे गूगल पर टाइप करके जरूर देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद हम जानते हैं चीनी यात्री फांसियन यानी कि फाहेन, वह करीब 1600 साल पहले आया था। सोएन त्यांग यानी कि हैन सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्र सिंह आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इन्होंने भारत के विषय में अपने वर्णन ग्रंथ भी लिखे हैं। नालंदा विद्या केंद्र इस समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया जाता था। स्वयंस्तांग यानी कि हैनसांग ने यहाँ पर अध्ययन किया था। इसी के साथ ही इस समय भक्ति की शुरुआत भी हो रही थी और सनातन या फिर हिंदू धर्म का जीर्णोद्धार हो रहा था। इस समय भक्ति के पर्याय बदल चुके थे, भक्ति का अर्थ बदल चुका था। अब भक्ति भज शब्द से बना था जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता हो। यानी भक्त या भगवत माफ कीजिए भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग के हिस्सेदार होते हैं, भोग के हिस्सेदार होते हैं। इन्हीं दिनों देवी और देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल हो चुके थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का स्त्री हो या फिर पुरुष। भगवान विष्णु के 12 अवतार की तरह अवतार की ही एक प्राचीन मूर्ति एरन मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के अन्य भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले बालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियां तैयार करने लगे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहा जाने लगा। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी। इसके साथ ही एक नए शब्द हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। मूल रूप से सनातन धर्म को आगे चलकर हिंदू धर्म कहा गया और हिंदू सिंधु नदी से भी अपभ्रंश होकर बना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था।
इस प्रकार हमने यह जाना कि हिंदू शब्द का क्या इतिहास है। अब हम जानते हैं ईसाई धर्म के बारे में। चूंकि ईसाई धर्म के पनपने का समय भी कुछ ठीक इसी के आसपास था, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यह उसका एक अंश इस प्रकार है, धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के भीतर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से भारत आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं इस अध्याय से हमने कौन कौन से उपयोगी शब्द सीखे हैं। यहाँ पर हमने व्यापारी, मुंबेदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मुंबेदार का अर्थ हुआ था तीन मुखिया, जिनमें थे पांडे, चेर और चोल, इनके बारे में हमने जाना था। रास्ता या मार्ग, हमने सिल्क रूट के बारे में जाना था। साथ ही हमने यह भी जाना था कि सात वाहन को दक्षिण का मार्ग कहा जाता था। इस प्रकार से कुछ उनके विषय में है। महायान जो था वह बौद्ध धर्म की ही एक शाखा बन गई थी। हीनयान और महायान का विभाजन इसी समय पर हुआ था। बोधिसत्व वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीर्थयात्री वे लोग जो धार्मिक अनुष्ठान करने या फिर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तीर्थ स्थलों का दौरा करते हैं। इसके साथ ही हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको आवश्यक रूप से याद रहनी चाहिए। यहाँ पर ये देखते हैं, रेशम बनाने की खोज कब हुई? लगभग 7000 साल पहले चीन में हुई। इसके बाद चोल, चेर, पांडे, लगभग 2300 साल पहले इनका शासन था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग, लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क का जो शासनकाल था वह तकरीबन 1900 साल पहले था। अगर आप इनका समय पता करना चाहते हैं तो अभी जो समय चल रहा है उसमें आप इस समय को माइनस कर दीजिए। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है तो 2023 से आप 1900 को माइनस कर दीजिए। जो समय आएगा वही समय इनका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आगे देखते हैं, फसयेन यानी कि फायान का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयंस्तांग यानी कि हैंसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना, ये दोनों ही बातें हुई थी लगभग 1400 साल पहले। इस प्रकार हमने इस NCERT अध्याय के बारे में आपको एक सारांश, आपको एक ब्रीफ नोट्स दिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि NCERT पढ़ने से आपका लेवल काफ़ी अच्छा होगा और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे जिसमें NCERT के फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और मैं जल्द ही इन चैप्टर्स के टेस्ट सीरीज टाइप में क्वेश्चन बनाकर भी ऑब्जेक्टिव टाइप में डालूंगा। आप उन्हें भी सॉल्व कर देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मेरा उद्देश्य है कि मैं भी बेहतर तरीके से पढ़ सकूं और आप भी मेरे साथ कुछ ना कुछ कर सकें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जब मैं पढ़ूंगा तो शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जीवन में सफलता का रहस्य आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। जीवन में अवसर कभी भी आ सकता है,
जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को पूरी रखिए। बस तैयार रहिए आने वाली चुनौतियों के लिए, आने वाली खुशियों के लिए, आने वाली सफलता के लिए। फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।